नमस्ते दोस्तों, हमारा चैनल एक्सप्लोरिंग लेजर मोमेंट्स में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में जो एक बटन है बेल बटन, उसको ज़रूर दबाइएगा, तो कि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का अपडेट आते रहे। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नैपटल के एक प्रोडक्ट को जो कि बहुत फेमस है। इसमें है 7 पीसेस इंडक्शन फ्रेंडली कुकवेयर सेट, फ्री नाइफ सेट एंड चॉपिंग बोर्ड। तो पहले हम देखेंगे ये जो 7 पीसेस इंडक्शन फ्रेंडली कुकवेयर सेट है इसमें क्या क्या है, एंड उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या क्या फीचर है, और उसके बाद हम उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये 7 पीसेस कुकवेयर सेट में क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें है 1 पीस मल्टी कुकर, 1 पीस इडली प्लेट, 1 पीस कढ़ाई, 1 पीस सॉस पैन, 1 पीस फ्राइंग पैन, 1 पीस चट्टी, 1 नॉनस्टिक तवा, 1 नाइफ सेट विथ चॉपिंग बोर्ड। और ये जो इडली प्लेट है दैट हैज अ कैपेबिलिटी टू हैव 12 इडलीज। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। फूड ग्रेड है, डिश वॉशर सेफ है, इंडक्शन फ्रेंडली है, और ये जो है आपको दिख रहा है 0.5 मिलीमीटर थिकनेस, गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील एंड कंफर्टेबल बैकलाइट हैंडल, जो आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा है। तो अभी हम इसको चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके अंदर के सामान को सामने से देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत अच्छे से पैक किया हुआ इतने सारे सामान है। इसको अगर बाहर से देखते हैं तो इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि कितने सारे सामान एक साथ इस बॉक्स में पैक है। तो चलिए एक एक करके हम सारे चीज को देखते हैं। पहले ही जो मेरे सामने आया है वो है ये नाइफ सेट। तो जैसे आपको दिख रहा है इसमें 4 नाइफ्स रहेगा, किचन नाइफ्स है ये। तो ये किचन में आपको कटिंग के लिए आपको हेल्प करेगी। एंड देन वी हैव वन सीजर, इससे हम किचन में सारे जो पैकेट्स आते हैं हमारा वो हम काट कर सकते हैं। उसके बाद में जो मेरे सामने सबसे पहले आता है, ये सबसे बड़ी चीज है। इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये मुझे लग रहा है ये इडली स्टैंड होगा, बट देखते हैं क्या है। हाँ, मैंने तो सही फरमाया, इसमें इडली स्टैंड है। देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये 3 स्टैंड है, ये आपको 3 स्टैंड दिख रहा है, और ये जो 3 स्टैंड में, ईच स्टैंड में 4 इडली का जो कप्स है, तो टोटल में इसमें 12 इडली हम बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा इडली स्टैंड, और ये रहा ऑल टाइम प्रेशर कुकर। तो इसमें हम जो इडली है उसको भी बना सकते हैं, कुछ प्रेशर कुक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये जो हैंडल है, ये हैंडल भी दिया हुआ है जो कि हम फिट कर सकते हैं इस पे एंड इस पे, और उसके साथ ये जो है हमारा स्क्रू वो भी दिया हुआ है जो कि हम फिट कर सकते हैं इसमें। तो ये अगर हम ऐसे ये लीड को अगर इस पर रख देते हैं तो ये हमारा प्रेशर कुकर हो गया। तो चलिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ और अभी जाते हैं नेक्स्ट आइटम के पास, जो कि है हमारा फ्राइंग पैन। ये नॉनस्टिक फ्राइंग पैन है। आपको सभी को पता है कि हम जो फ्राई करते हैं तो हमेशा नॉर्मल तवा अगर लेते हैं तो स्टिक हो जाता है। ये नॉनस्टिक यूज करने से हमारा इसमें थोड़ा सा ऑयल में आपको बहुत सारी चीज अच्छे से फ्राई करने के लिए मिलेगा। और ये इसका हैंडल भी दिया हुआ है, और मैं इसमें देख रही हूँ कि इस पे हमारा 3 बैकलाइट हैंडल्स, जैसा कि वो पैकेट में लिखा हुआ था 3 बैकलाइट हैंडल्स हमारे पास है। तो हम इसको इधर पे ये स्क्रू के साथ फिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी मैं पास में रख देती हूँ। अभी जो है ये तो हमारा लास्ट पैकेज है, बट इसमें बहुत सारे सामान से मैं एक एक करके निकालती हूँ।
ये जैसे आपको दिख रहा है कि ये हमारा है एक छोटा सा कढ़ाई, तो आपको दिख रहा है कि ये जो सारे बर्तन हैं ये छोटा सा ही है, तो मे बी फॉर बिग फैमिली ये शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन स्मॉल फैमिलीज के लिए जहाँ पे हम लोग बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी परफेक्ट चीज होगी। ये इसको रखने के लिए जगह भी ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन काम का भी है बहुत से। तो ये है जो हमारा कढ़ाई है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो है इसका पीछे जैसे ये फ्लैट है मतलब ये इंडक्शन में जरूर चलेगा अच्छे से, और इसका ये हैंडल भी सेट किया हुआ है, तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। और ये है वन मोर फ्राइंग पैन, तो आपको याद होगा पहले में भी मैं एक फ्राइंग पैन दिखाई थी, दैट वॉज फॉर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, एंड ये जो फ्राइंग पैन है ये स्टील का फ्राइंग पैन है, तो इसमें भी हम अच्छे से कुछ फ्राई कर सकते हैं, तो इसको भी मैं अब साइड में रख देती हूँ। अभी जो नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा है ये और ये दोनों चीज है, तो इसको तो हम दूध उबालने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसको भी आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रू है, तो बैकलाइट हैंडल से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और एक है ये है एक कटोरी जिसको हम इंडक्शन में रख के कुछ गर्म कर सकते हैं, तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। तो बेसिकली यही था हमारा सारा स्टील का सामान, और जैसे आपको पहले मैं बता चुकी हूँ इसके साथ फ्री है वन नाइफ सेट एंड वन चॉपिंग बोर्ड, तो नाइफ सेट तो मैं आपको पहले ही दिखा दिया थी, तो दिस इज अ चॉपिंग बोर्ड, इसको आप किचन में यूज कर सकते हैं फॉर योर वेजिटेबल कटिंग। तो दोस्तों आज के लिए इसी तक था हमारा अनबॉक्सिंग का सफर, आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर ये वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सच अपडेट्स। सभी को धन्यवाद।